बस 2 दिन और खत्म होने वाला है इंतजार। सावन शुरू होने वाला है जो भगवान भोले भंडारी का प्रिय महीना है। सावन में हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों से कांवड़िए और श्रद्धालु सावन में भोले बाबा को चढ़ाने के लिए गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन इस मेले की तैयारियों में जी जान से जुटा हुआ है और व्यवस्था को चुस्त रखने की कोशिशें जारी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में लगने वाला है बाबा भोले के भक्तों का मेला। सावन के इस पावन तीर्थ भूमि पर लगने वाला है कांवड़ियों का रेला। सालाना कांवड़ मेले के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर से जोर शोर से तैयारी हो रही है, क्योंकि केवल यूपी, उत्तराखंड और आसपास ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में कांवड़ियां यहाँ आने वाले हैं। और सावन में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए यहाँ से पवित्र गंगा जल लेकर जाने वाले हैं। लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में पूरे सावन भर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता दिखेगा। वैसे तो हरिद्वार में साल भर हर की पैड़ी और दूसरे घाटों पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना आरती के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती रहती है, लेकिन सावन का ये महीना हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह महीना भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और भोले बाबा की पूजा में गंगा जल से उनके अभिषेक का खास महत्व है, तो तमाम जगहों से लोग हरिद्वार आते हैं और कांवड़ में पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने इलाके जाते हैं या फिर प्रसिद्ध शिवालयों में भोले बाबा को चढ़ाते हैं। तो जाहिर है पूरे सावन भर हरिद्वार में कांवड़ियों और आम भक्तों का सैलाब उमड़ता रहेगा, जिसकी व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। खास तौर से 4 जुलाई से अगले 15 दिन तक यहां लगने वाले कांवड़ मेला के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने का वादा किया है, ताकि सावन में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिल बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया। हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें अफसरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और जल पुलिस को लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की भी योजना बना ली गई है और भीड़ बढ़ने के बाद जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने पर निर्णय लिया जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान पुलिस खास तौर से अलर्ट रहेगी, ताकि किसी भी तरह कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और कांवड़ मेला सकुशल सम्पन्न हो सके। इसके लिए कांवड़ मेले के लिए तैनात तमाम पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए वो इश्यू आता है, तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न। कांवड़ियों और आम लोगों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी से इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और किन नियमों का पालन करना है। हरिद्वार में 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान होने वाला है। इसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार इंतजाम और तैयारियों में जुटा हुआ है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज़ टुडे।